हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वें जन्म जयंती पर रेवदर उपखंड मुख्यालय पर निकला विशाल पंथ संचलन। अखंड भारत की कामना एवं विश्व शांति पर हुए मार्मिक विचार गोष्ठी। अखिल भारतीय भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सेवा समिति मुख्यालय सिरोही, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं आदर्श विद्या मंदिर रेवदर के संयुक्त तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वें जन्म जयंती समारोह के साप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों के पांचवें दिन को आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय रेवदर में प्रातः 11:30 बजे सुभाष तुझे नमन नेताजी का विद्यालय पंथ संचलन एवं सुभाष का सपना अखंड भारत की कामना व विश्व शांति पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। नेताजी फाउंडेशन के राष्ट्र अध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी लुम्बाराम मेघवाल के मुख्य अतिथि में आदर्श विद्यालय के सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राएं, अध्यापक बंधुए, गणमान्य नागरिकों सहित प्रवद्र नागरिकों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। विशाल पथ संचलन को लुम्बाराम मेघवाल व स्थानीय विद्यालय समिति पदाधिकारी मुलायम पुरोहित, उगन लाल माली, राजमल छिपा व प्रधानाचार्य द्वारा रवाना करवाया। पथ संचलन आदर्श विद्या मंदिर बस स्टैंड से मुख्य बाजार होते हुए पुनः आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में विचार गोष्ठी में तब्दील हुए। इस मौके पर नेताजी फाउंडेशन के राष्ट्र अध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी लुम्बाराम मेघवाल ने युवाओं के बीच नेताजी पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमेशा धैर्य रहा है। वे राष्ट्र एकता को बल देते थे और राष्ट्र को सर्वव्यापी बनाते हुए एक ताकतवर व बलशाली राष्ट्र की कामना करते थे। हमें नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर बलशाली राष्ट्र की कामना करनी चाहिए। इस मौके पर मेघवाल ने विश्व शांति पर अपने उद्गार में कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूस यूक्रेन के युद्ध पर भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। संपूर्ण विश्व को शांति पर बल देना चाहिए। हमें किसी भी सूरत में विश्व की शांति को बरकरार रखना है। इस मौके पर मेघवाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चंद्रशेखर आजाद के विचारों को युवाओं के समक्ष प्रभावी रूप से रखा। उनके त्याग, बहादुरी व वीरता को नमन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान दिया। मेघवाल ने कहा कि देश की आज़ादी में शहीद आजम भगत सिंह ने त्याग व बहादुरी का परिचय दिया। मेघवाल ने कहा कि शहीद भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे फांसी के अरमान पर झूला दिया गया था। फांसी के एक दिन पहले शहीद भगत सिंह ने अपने पत्र में देश के नाम अपने संदेश में कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक कतरा इकबाल लाए, मैं इस देश में रहूं या ना रहूं, ए मातेम वंदे, मेरी मौत के बाद एक सैलाब आएगा। इस क्रांतिकारी विचारों में उपस्थित जन समुदाय की आंखों में आंसू आ गए थे। राष्ट्रभक्ति का मेघवाल ने जज्बा पैदा करने का पूरा प्रवास किया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में संस्था प्रधान प्रवीण रावल ने भी अपने विचारों को रखा और युवाओं को प्रेरणाबद्ध किया। कार्यक्रम में सराहनीय सहयोग हेतु विद्या मंदिर के संख्या प्रधान प्रवीण रावल को उनकी उत्कर्ष सेवा हेतु नेताजी का स्मृति चिन्ह प्रसिद्ध पत्र देकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रबंध समिति सदस्य रणछोड़ माती, रेक्टर की जनता जनादन, मातृशक्ति, स्कूली छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, गणमान्य नागरिकों ने अपने हिस्सेदारी निभाकर नेताजी को नमन किया। रेवदर से जागरूक टीवी के लिए विक्रम कुमार डाबी की रिपोर्ट।